हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो भाई मेरी तरफ से आपको एंड आपकी फैमिली को हैप्पी 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 दिवाली। एंड आई विश ये दिवाली आप लोगों की लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस लेके आए। तो भाई हम लोग तो बैठे हैं अपनी फैमिली से दूर। इंडिया में तो दिवाली हो चुकी है, मतलब स्टार्ट, घर वालों ने पूजा कर ली है हमारे। एंड भाई यहाँ पर अभी सुबह हुई है, दिवाली स्टार्ट हुई है एंड हम अभी जा रहे हैं सारा दिवाली का सामान लेने। एंड शाम को हम लोग करेंगे पूजा अप्रॉक्स 5 o'clock। एंड रात को नॉर्मल पार्टी, सारे फ्रेंड्स आएंगे, गेट टुगेदर होगा। मेरे को अप्रॉक्स हो गया 1 घंटा, घर से फ़ोन आ गया था, घर वाले ने उठा दिया एंड कि भाई पूजा हो रही है तो तू है नहीं इस बार, फर्स्ट टाइम है यार उन लोगों का तो कि मैं नहीं हूँ, तो दे वॉन्ट कि भाई तू भी पूजा देखे। तो मैं वीडियो कॉल पर था भाई, आधा नींद में था मैं, आधा मतलब जैसे भी था, बट मेरा बहुत मिस करा था यार, क्या बोलूँ। खैर तो भाई पूजा देखी मैंने घर की, जैसे नॉर्मली होती है एवरी टाइम एवरी ईयर दिवाली पे। तो उसके बाद पूजा ख़त्म होने के बाद मैं उठाऊँ, फ्रेश हुआ। अब मैंने प्लान आउट करा है कि अभी आरसी तो जॉब पे है, रिया सो रही थी इसको उठाया मैंने, तो रिया और मैं हम दोनों ही जा रहे हैं फिलहाल सारा सामान लेने। शाम की पूजा का जो भी सामान होता है मैंने घर पे पूछ लिया है। देखो यार मेरा फर्स्ट टाइम है बाहर ऐसे दिवाली मना रहा हूँ। मंदिर भी सेटअप करेंगे इस बार हम पूरा अच्छे से, दिए जलाएंगे, सब करेंगे, एवरीथिंग जो दिवाली पे होता है पूजा प्रॉपर, तो हम लोग वो सब करेंगे। कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट हम कर सके। देखो यार हमें नहीं पता कि कैसे करना है एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम है हम सबका अलोन विदाउट फैमिली, मम्मी पापा दादी दादा चाचा चाची सबके बिना हम लोग कर रहे हैं, तो करेंगे देखो, होप फॉर द बेस्ट। बस मैं चाह रहा हूँ कि सब अच्छा जाए इस बार। एंड तो चलो यार मैं रेडी होता हूँ, सबसे पहले मैं नहाया नहीं हूँ, नहाएंगे शाम को ही पूजा करने से पहले, पहले घर की सफाई करेंगे उसके बाद पूजा करेंगे। तो मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आता हूँ, देन हम चलते हैं सामान लेने पूजा का। एंड वंस अगेन गाइज हैप्पी दिवाली। और थोड़ा सा प्लीज़ भाई फायर क्रैकर्स कम बर्न करना इस बार, ऐसा बता रहे हैं मेरे घर वाले। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रखा है, 700-800 तक पहुंचा हुआ है। अगर मैं आपको कनाडा का पॉल्यूशन लेवल बताऊंगा, एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक लेवल जो होता है, जैसे दिल्ली में 700-800 है, यहाँ का सिर्फ 3 है यार। कितनी प्योर एयर है यहाँ की, 3-4 इज लाइक बस यही होता है चलता है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का। एंड कहीं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैसेज आ रहा है काफ़ी बार, मतलब मैंने नोटिस करा है मैसेज आया, और मेरी भी एक ये मिस्टेक ही है, मैं कह रहा हूँ सॉरी यार पहले तो, कि मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली से कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कभी भी बात नहीं कराई, कभी भी नहीं दिखाया उन्हें। तो कोई बात नहीं, वो भी सारा मैं करूँगा जल्दी। आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि आप लोगों को अपनी मैं फैमिली से मिलवा पाऊँ, क्योंकि इंडिया तो मैं अभी जा नहीं सकता, अभी टाइम लगेगा, बट हाँ श्योर एंड शॉर्ट जल्दी होगा ये सब। पॉइंट सुझाव तो ना थोड़ा अच्छा लगता। देखो भाई मैं लाइटिंग वाइटिंग तो ले आया था, लाइट में लेके आया था कल शाम को, भाई खाली पेट है, कुछ नहीं खाया हुआ। बिट्स लेके आया, दे मेरे को तो बिट्स, एक खोल देना प्लीज़ यार, ऐसे ही पकड़ा रही है मैं कैसे खोलूँगा। सही है, बिट्स खाएंगे, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे। A few moments later. भाई हम लोगों ने सामान ले लिया है, पर मैं वीडियो नहीं बना सकता, प्रोहिबिटेड है, बट बाहर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो भाई फाइनली ले लिया है सारा दिवाली का पूजा का सारा सामान ले लिया, अब एक ले लेके घूम रहा हूँ मैं, ठीक है। और थाली लोटा टिक्का रोली मोली सब एवरीथिंग हमने ले लिया, जो मेरा मन था जो जो चीज़ों का मेरे को सब मिल गया, अच्छे दिए बड़ा दिया, रात को जो जलाएंगे देसी घी का पूरी रात चलेगा, सब ले लिया। फाइनली भाग के ट्राम पकड़ गया, ऑन टाइम है बिल्कुल। और मैं बता रहा था हम लोगों ने ना पटाखे के नाम पे पता क्या लिया, क्या लिया बता दे, फुल जड़ी ली है हमने। सही है भाई, वो ठंड हो रही है, मेरी नाक बह रही है। तो भाई बात ऐसी हुई थी कि वहाँ से आके सामान लेके मैं चला गया था वॉलमार्ट, रिया तो अपना चली गई थी जहाँ से जानता। मैं वॉलमार्ट से अभी आया हूँ भाई, फ्रूट्स वगैरह ले लिए काफ़ी, मतलब मेरे को बोला था कि 5 फ्रूट रखने हैं बट मैं 7 तरीके के फ्रूट ले आया, तो फ्रूट वगैरह हो गए हैं, सारा सामान डन है। चलते हैं यार थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, 2 बज रहे हैं अप्रॉक्स,
रेस्ट करते हो थोड़ी देर, और फिर उठ के नहाते धोते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। 15 मिनट पहले अभी सो के उठा हूँ, इतना लेट होगा भाई, 6 बजने वाले हैं। ओ 6 बजने नहीं बोले, 6:01 हो गया भाई, मैं बहुत लेट हो गया। अब जल्दी से नहाने जाऊँगा, नहा के भाई पूजा की तैयारी करनी है, अभी तक करी नहीं। सामान पूरा आ गया कि सारा तो सेटअप कर दिया बैठने का, और वहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे अभी अपना, उस वाली वॉल पे कर लिया। बालकनी में लाइट भी लगा ली, अभी नॉर्मली लगाई है, ऐसा कुछ नहीं लगाई, पर मंदिर सेटअप करेंगे और सब करेंगे, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और मैं पहले सबसे पहले नहा के आता हूँ, ठीक है? तो भाई सब कुछ रेडी करना, सबसे पहली बात तो मैं भाई नहा धो के मैं तो रेडी होके आ रहा हूँ, ठीक है ना? आप सबसे पहले मंदिर रेडी करेंगे, ओके? बस देखते जाओ मेरा कमाल क्या करता हूँ आज मैं। ये भाई मैं बड़ा दिया लेके आया हूँ जो हम पूरी रात जला के छोड़ेंगे, लाइक मंदिर में जो होता है ना एक दिया जो पूरी रात जलता है, ये वो है। और इसमें मैं टिक्का बनाऊंगा लगाने के लिए। और देखो यार, बात ऐसी है कि हम ज्यादा मूर्तियां ला नहीं सकते, तो मैं जो जो भगवान जी की फोटो रखी जाती है उनकी मैं सबकी एक कलर प्रिंट आउट निकाल के ले आया है, वो हम लगाएंगे। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम सारे भगवान जी की मूर्तियां हो हमारे पास, ये कोशिश रहेगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। ये टिक्का है और ये लाइटिंग्स हैं। एंड एक चीज आपको और दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये ने बना दिया ओम कैंडल्स का, दिए का मतलब, एक जो फ्लोटिंग कैंडल्स होते हैं ना उसका, तो ये जलाएंगे, ओम बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को दिखाऊं, आरती की थाली रेडी हो चुकी है, फ्रूट सारे डन है, चरणामृत मैंने बना दिया है, और ये आरसी बना रही है जिस थाल में हम सिक्के रखेंगे गोल्ड के, और सब कुछ सारा सामान रखेंगे, तो ये वो बनेगा स्वास्तिक और ओम वगैरह इसमें सब कुछ बनेगा। एंड बस उसके बाद हम लोग पूजा चालू कर देंगे। और ये हमारा फाइनल लुक है भाई मंदिर का, अब ये मंदिर ऐसे ही सेटअप रहेगा हमेशा के लिए, जब तक है जान, जब तक हम कर सकते हैं इसको। अब करते हैं पूजा चालू। पता है गाइस बात क्या हुई कि मैंने कॉपर के बर्तन में ना वो बना दिया था चरणामृत, तो मेरी मम्मी से बात हो रही, मम्मी को ना मैंने वीडियो बनाई सारी भेजी, और उसके बाद मैंने वीडियो कॉल करा तो मैं दिखा रहा, तो मम्मी कहती कॉपर के बर्तन में ऐसे दूध नहीं डालते, दूध जहर बन जाता है, खराब हो जाता है। तो फिर मैंने उसमें पानी भर के रख दिया और चरणामृत अब कांच के बर्तन में बना लिया। यो भाई, आरती हम पूरे घर में घुमा रहे हैं, ठीक है? दवाई उनसे चालू करते हैं।
तो गाइस पूजा फाइनली डन। यार मेरा फोन ऑफ हो गया था, मैंने चार्जिंग पे लगाया, अभी अभी ऑन कराया एंड मोली वोली सबने बांध लिया है। देखो ओम जो हमने बनाया था कैंडल्स का वो भी हमने जला लिया और सब कुछ हो गया फाइनली डन। भोग लगा दिया है, खाना वाना जो है अब हम खाएंगे। हम लोगों ने मंगवा लिया अपना यहाँ पर, भगवान जी को भी रसगुल्ले और चरणामृत का भोग लगा चुका हूँ एंड एवरीथिंग इज़ डन नाउ। मुझे नहीं पता मैंने कैसा करा है, बस मेरे को इतना पता है कि मोस्ट ऑफ जो मेरी एज के लड़के लड़कियां हैं जो भी हैं वो फैमिली के साथ ये सब चीज़ें करते हैं। एंड जो लोग कनाडा में हैं हमने उनसे बात करी है, कहीं कर रहे हैं कहीं नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, जो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, उनकी भी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी, बट हमने जो किया है दिस इज़ तीनों का हमारा फर्स्ट टाइम, अपनी तरफ से बेस्ट किया है। कोई गलती हो कोई मिस्टेक हो तो भाई कान पकड़ के सॉरी है सब लोगों को, और हमारी मिस्टेक्स गलतियां हमारे को कमेंट में आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों ने ये गलत करा, नेक्स्ट टाइम से हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे और भी व्लॉग्स पेंडिंग है जो मैं शॉपिंग करने गया घूमने गया तो वो मैं बाद में डालूँ और ये दिवाली का व्लॉग मैं पहले डालूँ, मेरी पूरी कोशिश है। कोशिश ये आज संडे दिवाली एंड कल शाम तक मैं ये व्लॉग डाल दूँ, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। डालना अगर मेरे को मतलब हुआ ना, मतलब इजी हुआ, एडिटिंग हो गई पूरी, तो मैं डाल दूंगा जल्द। ठीक है चलो मिलते हैं, थोड़ी देर में रेस्ट करूँ एंड बाकी सारे छोटे मोटे काम निपटाए। हम लोग आ गए हैं बाहर, आप लोगों को फुल जड़ी लेके आए हैं, हमें सिर्फ वही जलाएंगे और कोई बम नहीं जलाएंगे, बम पटाखे और अनार वनार कुछ नहीं यार, हम लोग पॉल्यूशन इन चीज़ों के अगेंस्ट है बस, ये फुल जड़ी से क्या ही होता है। हाँ देखो भाई दिखा देना भाई अपना ड्रेसअप, ये ड्रेसअप हुआ है दोनों, और मेरा तो आप लोगों को पता ही है अति सुंदर, अभी दिखा दूंगा फिर भी। देखो और लड़ाई हो गई इनकी, सीधी चाहिए टेढ़ी चाहिए। गाइस बात ऐसी है, हम लोगों ने फोटोज वोटोज खिंचवा ली है ठीक है, एंड अब ध्रुव का और उसकी फ्रेंड है उसका फोन आ गया कि वो लोग आ गए नीचे। आ गए आ गए, आ रहा हूँ भाई, इतनी तेज खटखट आ रहा है। दिखाओ आप, देखो पहले यहाँ से दिख रहे हैं यार, यहाँ से नहीं दिख रहे ना, ये क्या साले ने उंगली रख दी, कितना तेज है, है ना। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली मेरे यार, शोर नहीं मचाना ना मोहल्ले में, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। चलो भाई हमारे दो गेस्ट तो आ गए हैं, बाकी गेस्ट ऑन द वे है एंड नाउ वी आर गोइंग टू पार्टी एरिया, तो नीचे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज क्या मस्ती करेंगे हम, और गेम्स खेलनी है फुल ठीक है। पत्ते खेलेगा भाभी? चलो भाई ठीक है। तो भाई आरसी का फ्रेंड भी आ गया, यशु हेलो ब्रो, हैप्पी दिवाली। ध्रुव की बात है इग्नोर, व्लॉग में कहीं भी ध्रुव की बात है इग्नोर, आपने बैंफ वाले से सीख लिया होगा ये बात। फाइनली मेरे बाकी के दोस्त भी आ गए हैं एंड मैं नीचे आया हूँ उन्हें लेने जल्दी जल्दी। सिद्धा सिम सिम मोस्ट वेलकम है भाई, हैप्पी दिवाली। क्रिश हैप्पी दिवाली भाई, क्रिश आ जाओ आ जाओ। 1 hour later ऐसी है, हम लोग अब खेलने लगे हैं भाभी, आप लोगों को नहीं पता हो तो कई लोगों को पता होगी कई लोगों को नहीं पता होगी, ये गेम भाई प्लेइंग कार्ड से खेली जाती है, गेम है। अब मैं रूल्स वगैरह ये समझा रहा है, अभी सुन लो आप, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा बाद में। ध्रुव समझा भाई, हर जगह समझा ध्रुव, हाँ ध्रुव शुरू से भाई, अगर आप लोगों को खेलनी है तो किसी और से जाके समझो, यहाँ ये नहीं समझा पा रहे। गाइस हम लोग खेल रहे हैं इस टाइम पे ब्लफ भाई, इतनी गंदी ब्लफ चल रही है, इतनी गंदी ब्लफ, कुछ भी फेंके जा रहे हैं, चल रहा है। चलो भाई ध्रुव का तो अपना उठा लिया भाई, अब हम जलाएंगे दिवाली के पटाखे।
हैप्पी दिवाली टू एवरीवन भाई। जलाओ अबे हाँ, दूसरी जल्दी जलेगी। हम लोग खेल रहे हैं पूल, जिसमें मैंने जिता देना हमारी टीम को। ध्रुव और मेरी टीम है, ठीक है, और बाकी दोनों भाई की टीम है हमारे। ये कौन सी डाली है इसमें? अच्छा हमारी है, तू लेफ्टी है? कब से हुआ? बचपन से। गाइस वंस अगेन ब्लफ, ये सबसे बड़ा ब्लफ हमारे साथ। इस बार में मैं जीतूंगा लास्ट टाइम की तरह। बस अरे क्या करते हो यशु? चलो भाई चलो भाई, कौन सा है सात वाला? कौन सा है सात नंबर? सात नंबर ध्रुव डाल दे एक। एक पड़ा अपने पे। चलो 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 चलो। ओ रिया तूने ही कर दी यार। तो गाइस और जा रहे हैं, अब हम सब घर जा रहे हैं। तो दिस इज एंड ऑफ दिवाली व्लॉग। बाय गाइस, सी यू।